भीड़। ये देख सकते हैं छोटी छोटी गाड़ियाँ, लगभग हजारों की संख्या में गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं साला से रोड के मेन हाईवे पे हूँ और जिसका नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए बसों में बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और रैली में जा रहे हैं। ये देख सकते हैं भारी संख्या में लोगों की भीड़ अभी भी प्रदर्शन करते हैं। सुजानगढ़ के जो व्यक्ति वो भी जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो ये देख सकते हैं अभी भी गाड़ियाँ आगे की तरफ बढ़ रही है। देख सकते हैं हनुमान बेलीमाल पहुंच चुके हैं सालासर की धरती पे, आपको दिखाया जा रहा है नज़ारा। ये देख सकते हैं लगातार बने रही है, ये देख सकते हैं हनुमान जी बेलीमाल बड़े स्वागत के साथ में पहुंच चुके हैं और बहुत संख्या में यहाँ पे सालासर की धरती पे भीड़ है। आप देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी लोगों की भीड़ है और सालासर में पहुँच चुके हैं हनुमान जी बेलीमाल, आपको नज़ारा दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से लोग, जनता उमड़ पड़ी है, पीछे चल रही है उल्टी। भीड़ आपको देखने को मिल रही है और कुछ ही देर में अंदर पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से लोग उनको पहुँच के लेकर आए हैं, भारी संख्या में लोगों की यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है, काफ़ी संख्या में लोग जनता खड़ी है और जा रही है। देख सकते हैं आगे की तरफ भगदड़ मच चुकी है और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इनको हर बार ऐसे ही कंधे पर बिठा के लेकर आते हैं, इनका एक खास नज़ारा हमेशा देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं किस तरह से लोग भीड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत संख्या में ज़्यादा भीड़ है लोगों की। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, उन्होंने कहा था कि मैं सुधारने का 150 का ऑफिस
सवाल नहीं कर सकते, चुपके चुपके हेलीकॉप्टर से आए और चुपके चुपके गए। ये हनुमान जी धन्यवाद का करिश्मा, हनुमान जी धन्यवाद। आपकी ताकत पूरे हिंदुस्तान और राजस्थान को दिखाना चाहते हैं, आपकी ताकत पर राज्य लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ता अगर निष्पक्ष जनता की सेवा कर सकता है तो हनुमान जी धन्यवाद ये कर सकता है। भाइयों, इन लोगों ने ढाई साल में सुधार कर हस्तांतर करवा ले लो, भ्रष्टाचार की मुगरी बनाकर रख दिया। पानी की बात करें तो सबसे कम पानी नहीं आता, बिजली की बात करें किसानों को बिजली नहीं मिलती, लोगों को काम नहीं होते, महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, खाने में अफवाह नहीं होती। कौन कतर में जाए पश्चिमा दबा जाए वैसे क्यों दबा जाए तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो सोना के भाई हो आप लाभ के नाम पर होगा कि हनुमान जी मेरे के नाम से आप लोगों के काम करवाते हैं। ये बुराई, ये बुराई को रोक नहीं सकता।